है नॉलेज। मैं हरेन की तरह दौड़ता रहा, एजुकेशन लेता रहा, एजुकेशन लेता रहा, एजुकेशन लेता रहा। क्यों? मुझे लगा कि पैसा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तब पता चला कि यहाँ 24 घंटे का जो बंधन है वो बंधन को मैं हटा सकता हूँ, यानी कि समय का गुणाकार करके, टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल का, टाइम लिवरेजिंग प्रिंसिपल का, टाइम डुप्लीकेशन प्रिंसिपल का आधार लेके। ये बात मेरे समझ में आई। और दुनिया में चंद कई लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो समय के गुणाकार के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास है और उनके पास अपना नेटवर्क है। तो ये बात मैंने जानी। दूसरी बात मैंने क्या जाना कि यहाँ रिस्क जीरो है, इस क्षेत्र के अंदर रिस्क जीरो है और ह्यूज पोटेंशियल है। ह्यूज पोटेंशियल, पोटेंशियल इसका हम ऐसा नापा नहीं जाता। दूसरा, यहाँ सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प बहुत अच्छा है। बाहर की दुनिया में अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट करना भी चाहूं तो वहां मुझे कौन गाइड करेगा? यहाँ पे अप्लायंस है, यहाँ पे सिस्टम है, BWW सिस्टम, और यहाँ पे MV कॉर्पोरेशन है सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट। दूसरा, मैंने क्या कंपैरिजन किया, मैंने क्या किया इसके साथ कि यहाँ पे आई वॉज अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट। किसी देश को आजादी मिलती है या व्यक्तिगत तौर पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आजादी मिलती है, यानी कि ऑटोनोमस सिटी मिलती है, ये मैंने जाना। क्यों? क्योंकि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में, मैं ठहरा प्रोफेसर यानी कि टीचर। बड़े बच्चों को पढ़ाना क्या, छोटे बच्चों को पढ़ाना क्या, प्रोफेसर हुआ तो क्या हुआ, हमारी बिरादरी टीचर। मैं बच्चों को पढ़ाने वाला, पढ़ाई में खोया हुआ, ब्लैक बोर्ड और चौकपीस और बच्चे, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा पेशा। तो मुझे ये पता चला कि किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को ऑटोनोमस सिटी का दर्जा मिलता है, ये मुझे पता था। तो यहाँ पे BWW सिस्टम क्या है, एक फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है, और इस फ्री एंटरप्राइज सिस्टम में एक व्यक्तिगत तौर पे किसी पर्टिकुलर इंसान को ऑटोनोमस सिटी मिलती है, और वो ऑटोनोमस सिटी किस किस चीज में मिलती है, उनको, उस इंसान को, कि कितना इनकम करना है उसकी आजादी है, किसके साथ, किस किस के साथ काम करना है उसकी आजादी है, कौन सी जगह पे काम करना है इसकी आजादी है, कौन से समय पे काम करना है इसकी आजादी है, ये व्यक्तिगत तौर पे ऑटोनोमस सिटी मिलती है BWW सिस्टम में। नेक्स्ट, मैंने कुछ कॉमन सेंस की बात है। इट्स कॉमन सेंस टू वर्क हार्ड फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड रेस्ट लाइफ यू विल एंजॉय। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह से जाना कि चंद सालों के लिए यहाँ मेहनत करना है, बाकी का लाइफ एंजॉय 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 करना है। ये बातें। नेक्स्ट, अगर मैं यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करूं तो मैं वाइस चांसलर या प्रोफेसर बनूं, या सीता के साथ रहूं, सीता को सपोर्ट करूं, तो क्या बनूं, डायमंड बनूं। तो मैंने जाना, मैंने पहचाना, दोस्त, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना या प्रोफेसर बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं किसी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी स्टडी है। नंबर एक, मैंने जाना कि वाइस चांसलर क्या होता है, डायमंड क्या होता है। पहला, वाइस चांसलर का पोस्ट टेम्पररी है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन डायमंड, हियर यू विल बी द डायमंड एंड बियॉन्ड दैट। नेक्स्ट पॉइंट, लॉट ऑफ टेंशन। जहां पर भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, तो लॉट ऑफ टेंशन, वाइस चांसलर को लॉट ऑफ टेंशन होता है। डायमंड, नो टेंशन, डायमंड टेंशन फ्री, राइट। नेक्स्ट, वाइस चांसलर कांट अपॉइंट अनदर वाइस चांसलर। डायमंड, यस ही कैन गाइड टू बिकम्स सो मेनी डायमंड्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। Everyone cannot becomes vice chancellor. हर एक कोई vice chancellor नहीं बन सकता। Yes, everyone can becomes a diamond direct. Next, no foreign tours every year. For diamond, every year foreign tour with spouse. Recognition is limited.
for vice chancellor. Her recognition is worldwide. Next, age, qualification, and experience is necessary to become a vice chancellor. Whereas, no such conditions, only 18 years and above for diamonds. Next, income, salary of vice chancellor is fixed. And here for diamond, exponential growth in income. Next, fixed work hours. For vice chancellor, fixed work hours. That is time bonding. Here, no fixed work hours, no time bonding. No choice in work with vice chancellor. Here, choice in work. Work flexibility is for diamond. No balanced life. Here, balanced life. Vice chancellor can't say, if I can, you can too. But diamond says, yes, if I can become a diamond, you all can become a diamond. Friends, so in my personal opinion, I feel diamond banna ek bahut badi zimmedari hai. Diamond banna ek bahut achhi responsibility hai. Aur maine ye janna, ye study karne ke baad, main पढ़ाई में इतना पढ़ा लिखा, क्या मैंने इस बिजनेस मॉडल की स्टडी नहीं किया होगा? बहुत स्टडी किया इस बिजनेस मॉडल की भी. और ये स्टडी करने के बाद फिर मैं राजकुमार सीता के साथ हुआ और सीता का राजकुमार बना. तो अब आगे बनना है तो डायमंड बनना है, बिना डायमंड से रुकना नहीं. तो मेरे सामने सवाल ये आ गया कि समय कहाँ से निकाले, पैसा कहाँ से निकाले. क्योंकि कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्त, इन्वेस्टमेंट होता है. डायमंड मुझे लगा कि सिंहासन है और सिंहासन पे बैठना है तो चटाई छोड़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि मैं चटाई पे भी बैठूंगा और सिंहासन पे भी बैठूंगा. मैंने ये जाना कि चटाई क्या है, मेरा चटाई क्या है. मैं शाम 6 बजे के बाद भी रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यूनिवर्सिटी में काम किया करता था. संडे के दिन भी मैं काम ऑन ड्यूटी जाता था कि कॉलेज एफिलिएशन कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, बहुत सारे कमेटी के ऊपर मैं काम करता था. ये मेरी चटाई है. यानी कि अतिरिक्त समय कहाँ जा रहा है, अतिरिक्त पैसा कहाँ जा रहा है, अतिरिक्त एनर्जी कहाँ जा रही है, वो आपकी चटाई है. जैसे मेरी चटाई थी और मैंने चटाई छोड़ दिया. ऐसा नहीं होगा कि आपको डायमंड बनना है. मैंने ये कहा कि फर्स्ट सेशन में ये कहा, हर कोई डायमंड अपने खानदान का टाटा होता है. अपने खानदान के टाटा बनना है, यानी कि सिंहासन हासिल करना है, तो आपको चटाई छोड़ना पड़ेगा. अब आपकी चटाई क्या है थोड़ा टटोलो. आपका अतिरिक्त समय कहाँ जा रहा है वो देखो. आपकी अतिरिक्त एनर्जी कहाँ जा रही वो देखो. आप किस किस एसोसिएशन में है वो देखो. मेरे सीता ने क्या किया, छोटे छोटे यानी कि कटडाउन्स किया. हमारे घर में भी बर्थडे बड़े होते थे, हमारे घर में भी शादियां बहुत बड़े पैगाने पे होती थी, लेकिन सीता ने थोड़ा शॉर्ट में लिया. कब तक? डायमंड जाने तक. तो बात यह है, तो आपकी चटाई क्या है. ऐसा नहीं होगा कि आप और एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक्सपांशन करना चाहते हैं. आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में भी एक्सपांशन करना चाहते हैं और जॉब करते हैं और दूसरा भी जॉब करना चाहते हैं और साथ साथ हम डायमंड भी जाना चाहते हैं, सिंहासन भी हासिल करना चाहते हैं. ऐसा नहीं होगा. एक तो आपको सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़ना है, ये बात ध्यान में आए. और उस हिसाब से मैंने सीता को सपोर्ट किया और शाम का समय, जैसा सीता ने कहा, शाम के 6 बजे के बाद मेरे पति यानी कि राजकुमार यानी कि मैं यूनिवर्सिटी से घर आने लगा. और शाम का जो समय है, शाम का जो प्राइम टाइम है, किसी भी टेलीविजन चैनल के हिसाब से शाम का 7 to 9 इज द प्राइम टाइम. अब टेलीविजन चैनल के हिसाब से प्राइम टाइम है, हमारे व्यक्तिगत तौर पे, हमारे व्यक्तिगत लाइफ में भी हमारा प्राइम टाइम कहाँ है वो जाना. और वही प्राइम टाइम मैं और सीता ने इस नेटवर्क का निर्माण करने के लिए हर दिन 2 घंटा काम किया. नतीजा ये हुआ कि ड्रीम 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 हमारे खुद के ड्रीम पूरे होने शुरू किए. विद इन 2-3 मंथ जो सीता का सपना था, हाउस रेंट हासिल करना, उतनी कमाई तो ये इस बिजनेस से कमाना, वो पूरा हुआ.
वो पूरा हुआ तो हमारे साथ क्या हुआ, और भी सपने जाग उठे। दोस्त जैसे भी इस बिजनेस का निर्माण करना शुरू किया तो आने वाले 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। तो सपना है आजादी हासिल करना। आहो कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, फ्रीडम ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉइन्स को टू साइड्स होते हैं, वैसा यहाँ पर भी टू कॉइन्स है, फ्रीडम और दूसरी साइड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो मैंने जाना, वो मैंने पहचाना कि अगर फ्रीडम चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। और वही हुआ, सीता ने मुझे मेरे यूनिवर्सिटी में आके 15 अगस्त को तिरंगा झंडा हाथ में लेके, कम से कम 10,000 ABUs को साथ में लेके 15 अगस्त 2002 को वो सीता ने ये कहा, मेरे पति को आजाद करो, मेरे पति को आजाद करो, मेरे पति को आजाद करो, ये तिरंगा झंडा हाथ में लेके आए। ये आजादी, ये फ्रीडम मिली मुझे जॉब से। और ये फ्रीडम ये है, ये फ्रीडम का ये रेसिग्नेशन लेटर। कितने लोग आजाद होना चाहते जॉब से? आवाज करो। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपने ड्रीम, अपने डिजायर्स लिखो, अपने ड्रीम्स और डिजायर लिखो। जब हमने ये बिजनेस का निर्माण करना शुरू किया तो 122 रुपए का चेक आया और मैंने मेरे सभी दोस्तों को फोन किया, पूना में फोन किया। मैं एक संडे पूना गया, एक संडे औरंगाबाद गया था, एक संडे हैदराबाद गया था, एक संडे लातूर गया था, विद इन अ मंथ एट द लेवल ऑफ 3%, फिर द लेवल ऑफ 3%। बी ए इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर अपलाइन आल्सो फॉर वर्क। ये कहा जाता है एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी भी ऊपर नहीं आता, उसको सनलाइट नहीं मिलता। थोड़ा बाजू हटो, बाजू हट के जाके काम करो, राइट? तो क्या हुआ, मेरे दोस्त को मैंने इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी के साथ मैंने सबको फोन किया, अरे मुझे चेक आ गया, मुझे चेक आ गया, मुझे चेक आ गया। शायद मेरे दोस्तों मेरी एक्साइटमेंट, मेरी हैप्पीनेस, मेरा बोलने का तरीका सब बदल चुका था, क्योंकि मैं ब्रिज सिस्टम का अच्छा स्टूडेंट बना, एक्साइटमेंट। तो मेरे सभी दोस्तों को ये एहसास हुआ कि मोरे राजकुमार मोरे को शायद लाखों करोड़ों का चेक आ गया। और उन्होंने मुझे फोन पे बात किया, अच्छा अच्छा चेक आ गया। मैंने कहा बहुत चेक आ गया, चेक आ गया, चेक आ। तो उन्होंने पूछा कितने का चेक आया? मैंने बोला 122 रुपए का। तो मेरे दोस्त ने मुझे 15 मिनट रिवर्स प्लान दिखाया फोन के ऊपर, फोन के ऊपर। और उस रिवर्स प्लान में प्यार नहीं था, गाली आती, बोले बेवकूफ गले कहीं का, तू एक संडे मेरे पास आया था, हाँ, एक संडे दूसरे दोस्त के पास गया था, हाँ, तीसरे संडे उधर गया था, हाँ, अरे तेरा एक महीने का आने जाने का यातायात का भाड़ा कितना और चेक कितना आया तुझे, कुछ पागल है क्या? और 122 रुपए का चेक आ गया बोल के बोल रहा है, तो अच्छा है प्रोफेसर बोल के रहा पढ़ा उधर बच्चे को। इस तरह से रिवर्स प्लान हुआ मेरा दोस्तों की तरफ से। दोस्त लेकिन मेरे दोस्तों ने वो FED फंक्शन नहीं देखा था, दोस्त उन दोस्तों को विजन नहीं नजर आया था। पहले फंक्शन में मुझे विजन नजर आया था, मैंने डायमंड को देखा था, मैंने डायमंड को देखा था। और 122 रुपए से मुझे क्या मिला, 122 रुपए पहले महीने में काम करने से 122 रुपए का चेक आ गया। तो मेरा कंक्लूजन क्या था, इस दीवार को होल है, एक छोटा सा होल है और उस होल से पानी आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, दीवार के उस साइड पानी का भंडार है। पानी का भंडार है। पहले मैंने काम करने के बाद 122 रुपए का चेक आ गया है, राइट? अब बहुत, अगर पानी बहुत सारा लेना है तो उस होल को बड़ा बनाना है। तो वैसा मुझे एहसास क्या हुआ, मुझे विजन क्या नजर आया कि 122 रुपए का चेक एमवे के तरफ से आया है, तो इसका मतलब है एमवे के पास बहुत पैसा है। अब वो बहुत पैसा अगर लेना है तो उस होल को बड़ा बनाना है, बड़े पैगाने पे नेटवर्क का निर्माण करना है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, ये विजन की बात मुझे 10 साल पहले समझ में आई।
यही बातें मेरे दोस्तों के साथ समझ में नहीं आए। दोस्त, विजन एक ऐसी अजब गजब की बात है, पता नहीं कब किसको कैसे मिलता है। इस हमेशा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन में रहो, अपने अपलाइन डायमंड्स एमरल्ड्स प्लैटिनम के साथ रहो, आपको विजन मिलेगा। और आपको विजन अगर बाहर की दुनिया में क्या है, यहाँ की दुनिया में क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहोगे तो आपको विजन मिलेगा, नहीं तो लोगों के घरों में टेलीविजन है। फैसला आपके हाथ में है। सुनो, टेलीविजन में काम करते हैं वो कलाकार, वो आर्टिस्ट, उन्हें पैसे मिलते हैं। और जो टेलीविजन देखते हैं उनके हाथ में पैसे नहीं, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। और रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में, वो पैसा नहीं बनाते, टेलीविजन के अंदर के कलाकार लोग पैसे बनाते हैं। अगर आपको जिंदगी में विजन चाहिए तो ऐसे फंक्शन में आइए और ऐसी सीढ़ी सुनते रहिए। जो भी सीढ़ी आपके अपलाइन जो भी ऑडियो वीडियो आपको देंगे वो देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको विजन मिलेगा। दोस्त, यही तो ड्रीम है, यही तो डिजायर है। रही बात ड्रीम की, छोटी छोटी बातें करते हैं। अगर आपको कुछ पेन है तो वो लिखो, वो निकल जाएगा। आप पेन है, आपके घर में एयर कंडीशनिंग नहीं है, आज ठंडी का मौसम बहुत है, छोटे छोटे घर में बच्चे रहते हैं, सोते नहीं क्योंकि गर्मी का दिन है, तो आपके पास एयर कंडीशनिंग है, वो ड्रीम है। वो पेन है, आपको गर्मी नहीं चाहिए तो एसी लगाइए, वो ड्रीम है। छोटे छोटे सपनों के लिए पहले काम कीजिए, बड़े बड़े सपने ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ड्रीम है रोटी कपड़ा मकान, किसके किसके पास मकान है, चलो देखते हैं ड्रीम। सूरत फायर अप, तो ड्रीम की बात करते हैं तो मकान की बात करते हैं। किसके किसके पास अपने अपने मकान है, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, और हाथ ऊपर ही रहने दो, मेरे दो सवाल आने वाले हैं। हाथ ऊपर ही रहने दो, मेरे दो सवाल आने वाले हैं। वो मकान सास ससुर या बाप की कमाई का नहीं होना चाहिए। अब हाथ नीचे लो। पिताजी मम्मी पापा की कमाई का तो कोई भी बोलता है मेरा मकान, हेलो, खुद की कमाई। दूसरा सवाल है, उसके ऊपर हाउसिंग लोन नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये आ जाता है, अब देखिए इस हॉल के अंदर ओनली 10% लोगों के पास मकान है, इनके लिए जोरदार तालियां। सवाल ये आ जाता है, सपनों की बात आती है, सवाल ये आ जाता है रोटी कपड़ा मकान, अगर हमारी उम्र क्या हो गई और हमें अभी तक मकान नहीं है, है तो भी क्या है, वो बैंक का है। हेलो, जिस मकान में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं, उस अपार्टमेंट के नीचे ग्राउंड फ्लोर में उसके नाम रहते ऊपर रहने वालों के, ये अपार्टमेंट ये फ्लैट में ये रहते हैं कुलकर्णी देशपांडे शाह जाधव पाटिल, हेलो पटेल चौहान वर्मा, ये सब रहते हैं नाम, हाँ वो नाम हटा दो और जिस फंडिंग एजेंसी ने पैसा दिया उनके नाम लिखो तो क्या नाम आएंगे, देखो सब बैंक के नाम आएंगे। क्या वो मकान आपका है, नहीं, बाय कर्टसी ऑफ बैंक। क्या कार आपकी है, बाय कर्टसी ऑफ बैंक, उसका ईएमआई चालू है और ईएमआई के लिए हम काम कर रहे हैं। ये किताबें ब्रिट वर्ल्ड वाइड की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद ये राजकुमार के दिमाग में ये बात आई, लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है, अपनी खुद की बैलेंस शीट मैंने जाना, अपनी खुद की बैलेंस शीट का एहसास किया कि राजकुमार तेरे पास एसेट क्या है और तेरी लायबिलिटी क्या है। ये ज्ञान मिला मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से और ये ज्ञान आपको भी मिलना बहुत जरूरी है। अरे जब हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, ईएमआई चलता है, ईएमआई की चक्कर, हर महीने के एक तारीख को उस हस्बैंड वो घर में जो रहते हैं उस हस्बैंड को छोड़ के बाकी सब एंजॉय करते हैं और उस हस्बैंड को क्या नजर आता है, हर जगह ईएमआई नजर आता है, अपने पत्नी का चेहरा हटो ईएमआई है, बच्चे का चेहरा नहीं ईएमआई है, नए कपड़े नहीं ईएमआई है, हेलो, उस ईएमआई की चक्कर में हम गए। तो यही है, अगर वो सपना है रोटी कपड़ा मकान, अगर मकान नहीं है तो वही सपना मिला आपका। और सपने भी स्मार्ट होने चाहिए, SMART, यस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बॉन्ड। दोस्त भाई और बहनों, मैं आपसे ये आह्वान करने आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आज के जमाने में कोई भी पितामह भीष्म नहीं है जो 400 साल जिंदा रहेंगे।
समय की धारा को पहचानो। हमारा एवरेज लाइफ स्पैन 70 से 80 साल है और इसी 70 से 80 साल के अंदर ही हमें सब कुछ करके एंजॉय करके जिंदगी जाना है। ऐसा ना हो कुल्लू की बैल की तरह घर निकले ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, घर गए ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, जिंदगी में कहां का क्या किया। ऊपर जाने के बाद भगवान ने आपको वीडियो शूटिंग दिखाया तो आप बोलेंगे 5 मिनट के अंदर, भगवान ये वीडियो शूटिंग इसमें कोई नया नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बंद करो भगवान, मुझे बोर हो गया, भगवान मुझे बोर हो गया। आप 5 मिनट के अंदर बोलोगे, भगवान बोलेगा बेटा ऊपर से 70 साल तक मैंने कैमरा पकड़ा, मुझे बोर नहीं हुआ होगा। कुछ जिंदगी में बदलाव, कुछ जिंदगी में बदलाव चाहिए, कुछ जिंदगी में कलरफुल जिंदगी होनी चाहिए। ये डायमंड्स हैं, आप इनकी जिंदगी देखो कितनी कलरफुल है। तो ये ड्रीम्स, ये डिजायर और उसके ऊपर डेट लिखो तो वो उसमें गोल में कन्वर्ट होता है। ड्रीम के ऊपर डेट आ गई, तारीख आ गई तो वो गोल में कन्वर्ट होता है। कोई ड्रीम हमेशा हरदम बाहर की दुनिया में ब्रिट वर्ल्ड एसोसिएशन सिखाता है, सही सिखाता है, आप सही सुनते हो या नहीं वो मैटर करता है मैन। तो क्या सिखाता है, ड्रीम के ऊपर डेट होना जरूरी है तब वो गोल में कन्वर्ट होता है। डेट नहीं है तो हाँ हरदम बातचीत चलती है। हमारे पड़ोसियों के साथ हम बात करते हैं तो पड़ोसी बोलता है नहीं हमारी भी एक दिन कार आएगी, हमारा भी एक दिन फोर व्हीलर आएगा, हमारा भी एक दिन मैंने जाके टटोला, आज भी टटा लो, कौन से कैलेंडर में ऐसा है क्या एक दिन बोल के, कोई कैलेंडर दिखाओ मुझे एक दिन बोल के ऐसा। हेलो, 1 तारीख से लेके 30 तारीख, 31 तारीख है, संडे से लेके सैटरडे तक है, लेकिन कोई कैलेंडर में एक दिन है और वो पावर ऑफ स्पोकन वर्क करते रहते एक दिन हमारी भी गाड़ी आएगी, सही में आ जाती है, सफेद रंग की एम्बुलेंस आती है। हेलो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड हो गया ना, तो ऐसा नहीं, तो गोल होना जरूरी है। गोल, तारीख आपकी अपलाइन लिखेगी, आपका ड्रीम बताओ, तारीख आपकी अपलाइन कब तारीख लिखेगी, अपलाइन कब तारीख लिखेगी वो भी मैं बताता हूं। आप काम करने की स्पीड कैसे, उस पर निर्भर है आपकी काम की स्पीड, आपका सपना कितना बर्निंग ड्रीम है, कितना इमोशनल है, उसके ऊपर से ये सब कुछ होगा। एक सज्जन बैठे थे चौराहे पे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उतने में एक सामने से एक युवक आया और युवक यहाँ से जा रहा था और युवक उन सज्जन से पूछते, सज्जन जी यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए कितना समय लगेगा। वो सज्जन जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी रिस्पांस, फिर दोबारा पूछता है सज्जन जी यहाँ से रेलवे स्टेशन पे कितने समय लगेगा चलते जाने में। वो सज्जन जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो नवयुवक चल निकल पड़ता है तो पीछे से आवाज आती है 10 मिनट में। फिर से ये वापिस आता है, सज्जन जी मैंने तो आपको 2 बार पूछा था, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया और अभी बोल रहे 10 मिनट में। तो वो सज्जन जी बोलते हैं नवयुवक तुम्हारी चलने की स्पीड मैं जानना चाहता था तब मैं बता सकता था। वैसा ही आप अपलाइन के पास जाएंगे, मुझे कार लेना है, शुरू में अपलाइन डेट नहीं बताएगी, तुम 4 बेसिक करना चल निकल पड़ो, 9 कोर स्टेप करना चल निकल पड़ो, कार्डिनल रूल का पालन करो, आपकी जबान कहाँ जा रही, आपकी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या हो रहा है उसके तरफ ध्यान दो, तब आपकी अपलाइन आपको डेट देगी। हेलो, नेक्स्ट प्लानिंग होना जरूरी है जिंदगी में, कामयाबी की प्लानिंग होती है जिंदगी में, कामयाबी की प्लानिंग होती है। आपको 2013 साल चल रहा है, 2020 में आप किस माहौल में, किस प्रगति में रहना चाहते हैं, आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, उसका प्लानिंग होना जरूरी है। 2025 में आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास बिटिया है तो उसकी शादी की प्लानिंग होनी चाहिए अभी से, आपके पास बच्चे हैं तो उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका सीनियर सिटीजनशिप आने वाला है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग नहीं है
प्लानिंग नहीं है तो इसका कॉइन की सेकेंड साइड भी ये है, प्लानिंग नहीं है देन ऑटोमेटिक देयर इज अ प्लान ऑफ फेल्यूअर आल्सो। हेलो, अगर सक्सेस की प्लानिंग नहीं है तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपके पास प्लानिंग ऑफ फेल्यूअर है, और ये बात जाना मैंने BWW सिस्टम में आने के बाद। नेक्स्ट बिलीफ। बिलीफ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज बढ़नी चाहिए। सेल्फ इमेज से बड़ा कोई नहीं। सेल्फ इमेज, जिनकी सेल्फ इमेज छोटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व यानी कि फेस करना पड़ता है। एक अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो सज्जन अंदर, वो वॉचमैन है तो वहां से ये सज्जन, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, अंदर जाऊं या ना जाऊं, वो कौन है बोलो। अब वॉचमैन के सामने ये अगर ऐसी बात है भैया, तो फिर इनकी सेल्फ इमेज कितनी बड़ी है। हेलो, आपने सीधा जाके वहां पे बात करनी है उनसे। ये अपार्टमेंट में स्वयं स्वयं चोरी वर्मा रहते हैं क्या इतनी बात करने के लिए? नहीं, वाइफ बोलती जाना ए जाना, फिर बोलते नहीं तू चल। अगर ऐसी सेल्फ इमेज है तो कैसे, सेल्फ इमेज बढ़ानी है तो BWW के CD बुक्स फंक्शंस और अपलाइन के सलाह मसलत करो। आप जैसे जैसे फंक्शन में आएंगे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। जैसे जैसे आप सीडी कामयाब लोगों की सीडी सुनेंगे सेल्फ इमेज बढ़ेगी। जैसे जैसे कामयाब लोगों की वीडियो देखेंगे डायमंड आपके, तो आपका सेल्फ इमेज बढ़ेगा। जैसे जैसे आप 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। यही तो काम हमने किया। नेक्स्ट है एक्शन। बिना एक्शन से कुछ होता है? हेलो, छोटे बच्चे के तरफ भी देखोगे तो वो हंसता है, और वो हंसता है तो हम भी हंसते हैं। हेलो, सीनियर सिटीजन के तरफ देखो, बच्चे के तरफ देखो। हेलो, एक हंसी चाहिए तो वो भी एक्शन चाहिए। वो एक्शन करता है इसलिए तुम एक्शन करते हैं। हेलो, ये दुनिया में बिना एक्शन से कुछ नहीं मिलता। मैं ठहरा फिजिक्स पढ़ाने वाला, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है आपको, एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस धरती पे ये कोई बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है, दैट इज एक्शन, काम करना है। ये सब करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट क्या है? हमारे ड्रीम पूरे होंगे। ड्रीम पूरे होंगे तो ये साइकिल कंप्लीट होगा पूरा, और आपका और आपके ड्रीम आएंगे, फिर और आपका गोल है, गोल और आपका प्लानिंग है, और बिलीव बढ़ेगा और एक्शन आप करेंगे। ये दौर है, ये सिस्टम है। यहाँ इस तरह से आप कामयाबी हासिल करेंगे, इस तरह से आप डायमंड बनेंगे। आहो, इसके आगे 9 core steps हैं और रिलेशनशिप है। 9 core steps और रिलेशनशिप के लिए सीता का रोल अनन्य साधारण है। सीता ने जो डिवोशन दिया है, मैं थैंक्स करता हूं, मैं हमेशा थैंक्स करता हूं कि मैं सीता के बदौलत